अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ होम असाइनमेंट वन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर क्लास वन के लिए। सबसे पहले नोट, लर्न एंड राइट डाउन ऑल द प्रोवाइडेड वर्क इन योर सब्जेक्ट कॉपीज। जितना भी काम आपको दिया गया है आपने सब याद भी करना है और आपने कॉपीज में भी लिखना है, और उसके बाद आपने कलरफुल टाइटल पेज बनाना है अपनी हर कॉपी के अंदर, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं, डू रीड चैप्टर नंबर वन गॉड द क्रिएटर एंड डू राइटिंग ऑफ वन पेज आफ्टर टाइटल पेज। आपने टाइटल पेज बनाना है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद गॉड द क्रिएटर का, और आपके आपने अपनी कॉपी का वन पेज इस चैप्टर की राइटिंग करनी है, ठीक है। देन आपको दिया गया है सिंगुलर प्लूरल वर्ड सपोजिट जेंडर्स, ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। या आप चाहें तो स्कूल से भी मदद ले सकते हैं, आप थ्रू द व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, या फिर आप चाहें तो स्कूल भी विजिट कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक स्कूल खुला रहेगा। इसके बाद आपको दिया गया नेम एनी 5 फ्रूट्स नेम, नेम एनी 5 वेजिटेबल्स नेम, नेम एनी 5 थिंग्स विच वी सी इन अवर क्लासरूम, यानी कि हम अपनी क्लासरूम में ऐसी तमाम चीज़ों में से कोई 5 चीज़ें लिखेंगे जो आप ज़्यादा नोटिस करते हों, जो आपकी क्लास के अंदर मौजूद हों, यानी कि जैसे वाइट बोर्ड, जैसे कि फैन, लाइट्स, डेस्क, एवरीथिंग जो आप अपनी क्लास के अंदर देखते हों वो आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से सी एक्टिविटी नंबर सी, अरेंज दीज वर्ड्स करेक्टली, टेक द टेप टेक द हेल्प फ्रॉम द वर्ड टेबल। पेज नंबर 6 के ऊपर आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ ब्लैंक्स आपको ऊपर, इसमें पेज नंबर 6 के ऊपर एक टेबल दिया गया है, आपने उसको देखते हुए ऊपर से अल्फाज को सर्च करना है और यहाँ से मैच करना है कि कौन सा अल्फाज है जो इसके अंदर मैच हो रहा है, ठीक है। आपने उसको देखते हुए सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ द डेज, सी पेज नंबर 12। आपने वीक डेज यानी डेज नेम उसके अंदर लिखने हैं, पेज नंबर 12 के ऊपर है, आपने उसी के अंदर फिल करना होगा, यानी अपनी बुक के अंदर। इसके बाद आपको एसेज दिए गए हैं, एसेज का आप टाइटल पेज बनाएंगे बहुत अच्छा सा, ठीक है, कलरफुल टाइटल पेज बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर माई सेल्फ की हेडिंग लगाएंगे और आप ये सारा एसे राइट डाउन करेंगे, यानी सेकंड एसे भी माई पैड नेक्स्ट पेज के ऊपर आप राइट डाउन करेंगे, पॉइंट वाइज लिखना होगा इनको आप। देन कंप्यूटर स्टडीज के ऊपर बात करते हैं, डू रीड चैप्टर नंबर 1 विच इंट्रोड्यूसेस कंप्यूटर, ड्रॉ अ पिक्चर बाय ज्वाइनिंग डॉट्स नंबर ऑन पेज नंबर 2। आपको पिक्चर दी गई है एक, ठीक है, पेज नंबर 2 के ऊपर, इसमें आपने क्या करना है, आपको डॉट्स दिए गए हैं और इन डॉट्स के ऊपर नंबर डले हुए हैं, आपने काउंटिंग वाइज यानी आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से डॉट्स को मैच करते हुए जाना है और आपने इस पिक्चर को कंप्लीट करना है अपनी बुक के अंदर, ठीक है। फिर शॉर्ट नोट की आप हेडिंग लगाएंगे और आप पर्सनल कंप्यूटर और माउस की हेडिंग लगाकर दोनों शॉर्ट नोट आप राइट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर, और हर जो शॉर्ट नोट होगा वो अपने मुख्तलिफ पेज के ऊपर राइट करना है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ब्लू पेंसिल से क्वेश्चन उतारेंगे और ब्लैक पेंसिल यानी ब्लू पेंसिल से क्वेश्चन उतारेंगे और ब्लैक पेंसिल से आप क्वेश्चन आंसर यानी आंसर जो है उसका लिखेंगे, ब्लैक पेंसिल यानी ग्रेफाइट पेंसिल जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। फिर आपको दिया गया सॉर्ट द लेटर्स टू फाइंड द वर्ड दैट फिट्स द मीनिंग, पेज नंबर 3 के ऊपर एक्टिविटी दी गई है, इस वर्ड को रीजम्बल करना है आपने, अरेंज करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने उसको ब्लैंक के अंदर फिल करना है, सही। पेज नंबर 6 के ऊपर एक एक्टिविटी दी गई आपको, वर्ड भी सी पेज नंबर 6 समथिंग, ये आपको मीनिंग लिखना है इससे रिलेटेड, तो वो आपको बता दिया गया, आपने एज इट इज उसको फिल करना है अपनी बुक के अंदर। इंटर डेटा, राइट योर नेम एंड एज ऑन द कंप्यूटर, पेस्ट योर फोटोग्राफ, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पर एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपने अपना नाम, अपनी एज मेंशन करनी है और अपनी एक फोटोग्राफ भी पेस्ट करनी है, ठीक है। हाउ मेनी कंप्यूटर्स कैन यू फाइंड, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 के ऊपर आपको कंप्यूटर्स बताए गए हैं और आपने उसमें सर्च करना है कि कितने कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वेयर दे आर बींग यूज और कहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट आंसर, आपने उन पिक्चर्स को देखते हुए करेक्ट आंसर लिखना है। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया, राइट इन योर बुक एंड ऑल्सो मेक फोटो कॉपी ऑफ पिक्चर्स एंड पेस्ट देम इन योर कॉपी, आपको उन पिक्चर्स को जो है वो फोटो कॉपी करवाना है और अपनी कॉपी के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है, और उनके आंसर यहाँ पर बता दिए गए हैं कि कितने कंप्यूटर हैं। फर्स्ट वाली पिक्चर में 3 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं आपको, स्कूल या फिर होम, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्कूल, इसमें आप बुक के ऊपर टिक करेंगे। फिर सेकेंड में 1 कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैब या हॉस्पिटल, तो
तो उसमें आप टिक करेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, हॉस्पिटल। इस तरह से आपको दोनों ऑप्शन बताए गए और उसमें से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। तो आप जस्ट कॉपी के अंदर आप उसके नंबर लिखेंगे और उसका करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे, सही है, या फिर आप उसको टिक कर देंगे। इसके बाद फिर इन द ब्लैंक्स की सिर्फ ब्लैंक्स यहाँ पर लिखी गई हैं। आपने पूरा क्वेश्चन बुक से उतारना होगा और उसके बाद ब्लैंक के अंदर ये हिस्सा फिल करना होगा। इसी तरह से ट्रू और फॉल्स के अंदर भी आपने पूरा उतारना होगा और उसके बाद ट्रू और फॉल्स यहाँ पर आखिर में मेंशन करना होगा। देन हम सोशल स्टडीज की तरफ आ जाते हैं। डू रीड चैप्टर नंबर 1 सोसाइटी, ये आपने रीड करना है और उसमें पेज एक पाकिस्तान का मैप आपने पेस्ट करना है जिसको आप पेंसिल कलर से फिल करेंगे हर प्रोविंस को अलग अलग, ठीक है, यानी जितने प्रोविंसेस हैं उन सबका डिफरेंट कलर रखेंगे। फिर शॉर्ट नोट की बारी आती है, दो शॉर्ट नोट दिए गए हैं आपको, गुड हैबिट्स और अवर नेशनल फ्लैग, दोनों आपने राइट डाउन करने हैं कॉपी के अंदर। फिर साइंस के ऊपर आते हैं, साइंस के अंदर आपको काम दिए गए यूनिट 1 से लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें आप ड्रॉ करेंगे कोई भी एक लिविंग थिंग अपनी मर्जी से, जो आप कोई भी आप बुक में से देख के बनाना चाहें, और ड्रॉ एनी वन नॉन लिविंग थिंग, कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग आपने ड्रॉ करनी है, दो डायग्राम्स बनेंगे अलग अलग, ठीक है। फिर शॉर्ट नोट्स बताए गए आपको फ्लावर और द सन के ऊपर, ये आपने दोनों राइट डाउन करने हैं अपनी कॉपी में। फिर क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, क्वेश्चन वैसे ही लिखेंगे ब्लू पेंसिल से और आंसर अपनी ब्लैक पेंसिल से, ग्रेफाइट पेंसिल से लिखेंगे। इसके बाद आपको ट्रू और फॉल्स बताए गए सेम एज इट इज, जिस तरह से कंप्यूटर में किया था, पूरा क्वेश्चन आप ट्रू और फॉल्स का बुक से उतारेंगे देख के और लास्ट में उसमें मार्क करेंगे ब्लू पेंसिल से ट्रू और फॉल्स का, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स आपके यहाँ पे दे दी गई हैं, आपने उसको मार्क करना है, ठीक है। देन एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 के ऊपर एक्सरसाइज की गई है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, यानी कार, रिस्ट वॉच, कैंडल, यानी आपको मिक्स करके दे दिए गए, आपने उनको अलग अलग करना है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा इसमें एक करेक्शन है आपके, इसमें इसको मैंने करेक्ट नहीं किया ताकि आपको बता सकूं, ये लिविंग थिंग, ये नॉन लिविंग थिंग का कॉलम है और ये लिविंग थिंग का कॉलम है, तो यहाँ पर हेडिंग के अंदर करेक्शन है, आप इसको अपने असाइनमेंट के अंदर करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। जो बच्चे ऐसा ले जा चुके हैं जिसके अंदर करेक्शन थी तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। प्लांट्स, स्नैक एंड फ्रॉग आर लिविंग थिंग्स, कार, रिस्ट वॉच एंड कैंडल्स आर नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद बारी आ जाती है मैथ्स की, लर्न टेबल्स फ्रॉम 2 to 7, डू नॉट राइट ऑन कॉपी, यानी आपने सिर्फ लर्न करने हैं 2 से 7 तक टेबल्स और आपने उनको सिर्फ याद करना है, लिखना नहीं। इसके बाद राइट एंड लर्न इन वर्ड्स काउंटिंग फ्रॉम 1 to 30 इन योर मैथ कॉपी, यानी आपने 1 से 30 तक इन वर्ड्स काउंटिंग, यानी ओ एनी 1 TWO 2, इस तरह से आपने 30 तक अपनी कॉपी में लिखनी है और उसको याद भी करनी है। आप इसमें हेल्प के लिए पेज नंबर 27 देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक्टिविटीज टू रिटेन टू राइट इन योर कॉपी, टू रिव्यू वर्क बाय ट्रेसिंग न्यूमेरल्स एंड इन वर्ड्स एंड इट्स इन वर्ड्स। पेज नंबर 5 to 9 के ऊपर कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपने ट्रेस करना है, ठीक है। आपने काउंटिंग दी गई है आपको जिसके ऊपर आपको हाथ फेरना है, यानी आप उनको ट्रेसिंग के ऊपर ट्रेसिंग करनी है पेंसिल फेर कर। सेकेंड, मेक सेंस ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स एंड अरेंज देम इन द गिविंग बॉक्सेस, सी पेज नंबर 16 and 17। पेज नंबर 16 and 17 के ऊपर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया गया। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1 से लेकर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हमें जाना है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, जैसे फॉरवर्ड काउंटिंग होती है, ये असेंडिंग ऑर्डर होती है, ठीक है। इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग जो होती है, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हम क्या कर रहे हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं, यानी बैकवर्ड आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। इस सेंस को यूज करते हुए आपने पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 के ऊपर एक्टिविटीज को फिल करना है। देन डू प्रैक्टिस ऑफ व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स इन बिटवीन, यानी आपने प्रैक्टिस करनी है व्हाट कम्स बिफोर, यानी कि 5 से पहले क्या आता है, जैसे 4, 6 से पहले 5, 7 से पहले 6, इसी तरह से व्हाट कम्स आफ्टर, जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो यहाँ पर बाद में जो आ रहा है नंबर, इसको कहते हैं व्हाट कम्स आफ्टर। और इस तरह से व्हाट कम्स इन बिटवीन, जैसे 4 and 6, तो इसके दरमियान क्या आएगा, 5। तो ये एक्टिविटी है हमारी व्हाट कम्स इन बिटवीन, जैसे हम बात करें 8 और 10 के दरमियान क्या आएगा, 9,
तो इसी तरह से हम आगे देखते हुए इन एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करेंगे जो कि पेज नंबर 18-19 के ऊपर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं पेज नंबर 18 और 19 पर, और इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे पेज नंबर 22 के ऊपर। रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आप पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 को देखते हुए आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और अपनी रफ कॉपी के अंदर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह के आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ाया जा चुका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, आप इसको देखते हुए उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इन केस अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपका स्कूल सुबह 10 बजे से 1 बजे तक खुला रहेगा, आप अपने स्कूल से और आप तक कर सकते हैं, या फिर आप स्कूल व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जब आप स्कूल आएँ तो आपके लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी होगा कि आपका मास्क लगा हुआ हो और आप स्कूल में दाखिल होते ही काउंटर से हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ठीक है, शुक्रिया।